उच्ची मठ पहुंचे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। सेना के हेलीपैड पर सीएम तीरथ रावत पहुंचे हैं। भारत चीन सीमा पर सुमन्ना में जायजा लिया है। दो ग्लेशियर टूटने की घटना जो हुई है उसका जायजा उन्होंने लिया। उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। तो जोशीमठ पहुंच गए हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, क्योंकि जिस तरीके से नीति घाटी में एक ग्लेशियर टूटा है उसको लेकर राज्य के साथ ही साथ केंद्र सरकार भी अलर्ट है। और सेना के हेलीपैड पर सीएम तीरथ रावत पहुंचे हैं। भारत चीन सीमा पर सुमन्ना में उन्होंने जायजा लिया है। दो ग्लेशियर टूटने की घटना का जायजा लिया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक भी यहां पर मौजूद है। तो आपको बता दें कि अभी तक के ऑपरेशन में 291 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इसके साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं एनटीपीसी और तमाम कंपनियों के, उनके काम को रात में ही बंद कर दिया गया था, बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। और देखिए जोशीमठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सेना के हेलीपैड पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया है। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। जोशीमठ पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, और जिस तरीके से ग्लेशियर टूटा है उसको लेकर किस तरीके का अभियान चल रहा है, किस तरीके से बीआरओ काम कर रहा है, क्या मदद और चाहिए, किसको क्या मदद दी जा सकती, इन तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंच गए हैं जोशीमठ। और सेना के हेलीपैड पर उनका जो हेलीकॉप्टर था वो लैंड हुआ। भारत चीन सीमा पर सुमन्ना में उन्होंने जायजा लिया है। निश्चित सेना के दर वो लोग सेना के आरटीबी भी कैंप में आए, वो 5-7 किलोमीटर दूर उनके कैंप है। बीआरओ क्योंकि सड़क पे उनके कैंप होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा की दिक्कत है, शाम का मामला था। और आर्मी आईटीबी भी पूरी तरह से लगे हुए जुटे हुए और पूरा एनडीआरएफ पूरी तरह से घूम गया है और जिला प्रशासन लगा हुआ है, पूरी तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं। सीएम साहब, क्या हालातों को देखते हुए सेना से मदद ली जा सकती है? निश्चित, मैंने कहा ना आरटीबी भी पूरी तरह लगी हुई, सेना लगी हुई है और सारा बीआरओ पूरी तरह रोड जो अब उनका काम है वो उसको साफ करना चाहिए। और चमोली में ग्लेशियर टूटने से दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। सेना ने दो शवों को बर्फ के नीचे से बरामद किया है। मौके पर रेस्क्यू और बचाव का काम जारी है। तो 291 लोग बचाए गए हैं, लेकिन देखिए जिन चीजों की आशंका थी वो आशंकाएं भी अब सामने आने लगी हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद जो सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसमें दो शव बरामद किए गए हैं और मौके पर सेना मौजूद है। रेस्क्यू, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। दो शव बरामद किए गए हैं। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं जोशीमठ, उन्होंने सुमन्ना का जायजा लिया और इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? जी देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री ने रात ही अलर्ट जारी कर दिया था, पूरी सरकारी मशीनरी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया था। सुबह डीएम और एसएसपी जिला मुख्यालय से इस क्षेत्र के लिए मौके के लिए रवाना हो गए थे जहां घटनास्थल है। और सेना एक अपना अपडेट दे चुकी है कि 191 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। आईटीबीपी और बीआरओ जो है रोड खोलने का काम कर रहे हैं। जहां पर हिमस्खलन हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहां तमाम चीजें ये सब चल रही हैं। और मुख्यमंत्री वहां पर इसलिए भी पहुंचे हैं ताकि कोई अगर ऐसी मतलब अनहोनी ना हो और सारी तैयारियों का जायजा ले लिया जाए। उधर उन्होंने बताया कि जिस तरह से भारतीय सेना और आईटीबीपी के साथ ही बीआरओ और एसडीआरएफ के दल वहां पर लगे हुए हैं, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसी एक वैली नहीं थी कि जो बहुत नैरो हो जाए या रेस्क्यू चलाने के लिए कोई स्पेस ना बचे, लेकिन वहां रेस्क्यू बहुत जोरों से चल रहा है। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जो हिमस्खलन है, अगर इसके टूटने से इतने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, अगर समय पर रेस्क्यू नहीं होता तो ये कैजुअलिटी की संख्या बहुत आगे जा सकती है। मतलब अजीत जी, माना जा सकता है कि पिछली बार जो ऋषि गंगा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद स्थितियां बनी थी, इस बार सबक लेते हुए प्रशासन और सरकार ने बड़ी तेज कदम उठाया है? जी देखिए, मैं अवधेश, पिछली वाली घटना में इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि वो सिविलियन इलाके में थी और ये लाइन इनर लाइन की घटना है जहां पर केवल फोर्सेस रहती हैं, बीआर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रहता है और उनके जो काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर रहते हैं। तो मतलब जिस जगह ये घटना हुई है वो एक तरह से सेना के और सैनिक बलों के कब्जे वाला इलाका है और वहाँ ऐसी कोई पट्टी नहीं है। जितने भी रेस्क्यू किए गए हैं वो सब बीआरओ के मजदूर और उनके कर्मचारी और आईटीबीपी के कर्मचारी हैं।
क्योंकि उसके पास कोई नगरीय इलाका या कोई गांव नहीं था और जितनी भी जितना भी एरिया उनकी चपेट में आ सका जो थोड़ी बहुत बस्ती भी थी तो उन सबको बचा लिया गया। जी शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। तो मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं जोशीमठ और भारत चीन सीमा पर सुमन्ना मनु ने जायजा लिया है और तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहे, किस तरीके की परिस्थितियां हर चीज को देखने के लिए सीएम वहां पर पहुंचे। तो जिस तरीके से भारत चीन सीमा पर नीति घाटी में ग्लेशियर टूटा उसके बाद से ही सरकार अलर्ट पर है मुख्यमंत्री। और ये देखिए, ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से देखे मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं और यही वो प्रभावित क्षेत्र है जहां पर ग्लेशियर टूटा है और सीएम ने जाकर वहां पर जायजा लिया कि क्या स्थितियां हैं, किस तरीके के हालात वहां पर भौगोलिक हैं और किस तरीके की राहत चलाने की ज़रूरत है, किस तरीके का जो संसाधन होते हैं वो देने की ज़रूरत है, उन्होंने पूरा जायजा लिया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहली तस्वीर जोशीमठ में सेना के हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पहुंचे और उसके बाद मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और ये देखा कि आखिर कि कहां से ग्लेशियर टूटा, किस तरीके की स्थितियां। हालांकि पिछली बार से स्थितियां काफ़ी भिन्न हैं, पिछली बार का जो ग्लेशियर टूटा था और इस बार में काफ़ी फ़र्क है, इसी वजह से हालात काफ़ी हद तक काबू कर लिए गए हैं और अभी तक जो अपडेट है 291 लोगों को रेस्क्यू में बचाया गया है जबकि 2 शव बरामद किए गए हैं। तो ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जोशीमठ पहुंचे हैं और उन्होंने जो ग्लेशियर टूटने की जो घटना हुई है उसका उन्होंने निरीक्षण किया, हवाई सर्वेक्षण किया और देखिए यही वो जगह है जहाँ पर ग्लेशियर टूटा था और इसी जगह पर पहुंचकर सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया।